हाँ दोस्तों, मैं आज इसके संविधान के तीसरे वीडियो पर आ चुका हूँ जो कि पूरे क्वेश्चन के आधार पे है। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसका फुल ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, संविधान की प्रारूप समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर क्या होगा आप लोग के अकॉर्डिंग, चलिए मैं बताता हूँ फुल ऑपरेशन के साथ। देखिए, संविधान के प्रारूप समिति का प्रमुख कौन था, तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो अगर आएगा तो प्रमुख बोल रहा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इसका आंसर होगा बी। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। संविधान की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी, 29 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, और जो प्रारूप समिति के जो सलाहकार थे, सलाहकार जो थे यानी जिन्होंने तैयार किया था, उनका नाम था डॉक्टर बी एन राव। तो अगर बोलता किसने तैयार किया तो बी एन राव बोलते हैं, लेकिन यही अगर बात किया जाए इसके प्रमुख कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शायद समझ में आ गया होगा, अब मैं पूरे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से एक का मौत हो गया था और एक ने इस्तीफा दे दिया था, ऐसा कंडीशन था, उसके जगह पे अलग अलग अपॉइंट हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। बात करें इसमें ऑप्शन में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ था संविधान का सेकेंड बैठक ना, तो उसमें निर्वाचित और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार से हैं, प्रथम भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अम्बेडकर बी एन राव बता दें, यह संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था यानी 9 दिसंबर 1946 को, तो उनकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से बिलोंग्स करते हैं, वो भी ओल्ड एज के कारण, ठीक है। चलिए आप लोग कैसा लग रहा है बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत का संविधान अपनाया गया था, यानी कि भारत, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है एडॉप्टेड है, यानी अपनाया कब गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है दोस्तों, तो मैं पूरे डिस्कशन के साथ बताऊंगा ना, तो आप लोग रेडी रहिए, है ना, क्योंकि हो जाइए तैयार, क्योंकि आप लोग का ही क्वेश्चन है ये। भारत का संविधान अपनाया गया था, तो देखिए भारत का संविधान बनकर तैयार अगर हुआ था तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा अपनाया गया था, वही हो गया, अपनाया गया था यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और जब भारत में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, तो उसमें कुल 15 आर्टिकल, यानी कुल टोटल 15 आर्टिकल को लागू किया गया था, और 16वां भी था जो कि आर्टिकल नंबर 394 कहते हैं, ठीक है। अब बात करें ऑप्शन से खेलते हैं, देखिए सबसे पहले याद रखें 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, लागू अगर बोलता तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 को भारत फ्रीडम बन गया था, यानी आज़ाद हो गया था, जो कि ब्रिटेन से हुआ था, और इसका अधिनियम जो है ना 18 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विथ फुल ऑपरेशन, कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब बताइए 26 जनवरी क्योंकि, इससे मैंने पहले बताया था, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। पहला क्या बोल रहा, यह एक शुभ दिन था, नहीं शुभ दिन तो कोई भी हो सकता है, तो ये तो नहीं मान सकते हैं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह ग्वालियर, मुंबई के ग्वालियर टैंक से 8 दिसंबर 1942 को हुआ था, तो ये तो खैर गलत हो गया, तो ये तो मान नहीं सकते। अगला, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, हाँ सही है, क्योंकि याद रखिएगा कांग्रेस के यानी कि लाहौर अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको बोला था कि 26 जनवरी से भारतीय झंडा फहराया जाएगा और स्वाधीनता दिवस मनाएगा, तो यानी इसका सिंपल में इसका आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के किनारे सबसे पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था, हमेशा उसके बाद झंडा फहराया जा रहा था, ठीक है, डॉक्टर भीम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, देखिए सबसे पहले ऑपरेशन करता हूँ, अगर इसमें टोटल सत्र की बात की जाए तो आप लोग खुद बताइए कुल सत्र कितना था, तो अगर कुल सत्र बोलते हैं यानी टोटल सेशन, अगर दोस्तों अगर टोटल सेशन की बात करें, हेलो एंड वेलकम, टोटल सेशन जो था आपका कुल सत्र हुआ था 11, लास्ट वाला को ऐड नहीं करते, कुल सत्र 11 था, जिसमें पहला जो सत्र का आयोजन किया गया था वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए कैसा लग रहा आप लोग बताइएगा, और इसका जो सेकंड जो हुआ था सत्र वह हुआ था आपका 11 दिसंबर, क्या हुआ था बताइए खुद, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस दिन इसकी अध्यक्ष बने थे कौन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद जो 13 दिसंबर को हुआ था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था, उसका भी अध्यक्ष कौन बना था आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता, तो भारतीय संविधान सभा तैयार करने के लिए कुल कितना 11 सत्र को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा 11, ठीक है, सेशन जो बोलते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस पहले ही मैंने बताया था, पहली बैठक का जो अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। अब किस बेसिस पे किया था ये भी मैंने बता दिया था, सबसे ज़्यादा ओल्ड एज के थे इसलिए बोला गया था। कहाँ के थे? बिहार के थे। अब कब बैठक किया था ये भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब बीएन राव, तो बीएन राव जो थे ना वो आपका संविधान के सलाहकार थे, एडवाइजर थे, और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के साथ साथ निर्वाचित अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, भारत की संविधान सभा को किसके तहत बनाया गया? देखिए ऑपरेशन के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत बनाया गया था, भारत के संविधान सभा को कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है, जो कि आपका 18 जुलाई 1947 को इसके अनुसार लागू हो गया था कि भारत एक स्वतंत्रता अधिनियम बन गया था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में आपका 3 सदस्य आए थे, याद रखिए इसमें 3 अंग्रेज शामिल थे, पैथक लॉरेंस, इसमें कुल 3 थे, एक पैथक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, एक क्रिप्स थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन की बात की जाए, तो क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, अभी 1942 में यानी क्रिप्स मिशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और साइमन कमीशन तो 1927-1928 हुआ था, लाला लाजपत राय की कहानी इसमें है, जो कि सॉन्डर्स की हत्या के लिए किया गया था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सॉन्डर्स का जो हत्या किया गया था वो याद रखिएगा 17 दिसंबर 1928 को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था? तो फुल ऑपरेशन, सबसे पहले याद रखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को जो स्वीकार किया गया था वह आपका 24 जनवरी 1950 होना चाहिए, इसमें नहीं दिया ऑप्शन ना, ठीक है कोई बात नहीं, होता मिस्टेक। तो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, मान लीजिए पहला हम कर देता हूँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, उसके साथ साथ इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है यानी कि जन गण मन अधिनायक जय है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सबसे पहले 1911 में लिखा गया था, याद रखिएगा। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को उसकी भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सभी के सामने प्रस्तुत करके गाई थी, ठीक है याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें डेट से मैं खेल जाता हूँ थोड़ा, 22 जुलाई 1947, तो 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा झंडा को अपनाया गया था, ठीक है संविधान के द्वारा। अब भारतीय झंडा का डिजाइनर था पिंगली वकैया, ठीक है। 29 अगस्त 1947, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था, जिसका मेन अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। चलिए 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें कुल 15 आर्टिकल उस दिन लागू हुआ था। चलिए ऐसे फुल ऑपरेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। बात कर दिवस से बात करते हैं, देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं यानी कि ये हॉकी के जादू का ध्यानचंद के जन्मदिवस के शुभ अवसर पे 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त 1905 को उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात रही 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को झंडे दिवस भी बोल सकते हैं, और 24 जनवरी को याद रखिएगा बालिका दिवस मनाते हैं, नेशनल बालिका दिवस मनाते हैं। अब पूरा बालिका दिवस जो मनाते हैं यानी वर्ल्ड बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले अगले और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए, और याद रखिएगा इस बार बालिका दिवस के शुभ अवसर पर ना उत्तराखंड में एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी सौम्या गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? देखिए मैं इससे पहले वीडियो में बताया था प्रांतीय अगर बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना वो आपका यानी अल्पसंख्यक समझते होंगे जो कल समझे यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय के भी अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ यानी एज वेल एज उसके साथ साथ मौलिक अधिकार का भी यही अध्यक्ष थे, मौलिक जो अधिकार हुआ था ना उनका भी यही अध्यक्ष थे, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं तो ऑपरेशन करूँगा, बिना ऑपरेशन कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, शायद आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ये चीज़, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ना वो आपका भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के मेन अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वह
संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे या अध्यक्ष थे, यही बोल सकते हैं इसको। सरदार वल्लभ भाई भी तीन चीज कहते हैं, यानी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष थे, उसके साथ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू जो था संघीय सभा के अध्यक्ष थे। चलिए ठीक है, और कुल जो सेशन हुआ था ना, यानी कुल अगर सेशन की बात किया जाए तो कुल 22 समितियां का निर्माण किया गया था। तो इसी के साथ आज का इतना ही रहा दोस्तों वीडियो में, आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद मैं आने वाले वीडियो में प्रस्तावना के बारे में पूरा जिक्र करूंगा, भारत का प्रस्तावना का निर्माण कैसे होता है, ये क्यों है, उसका डिस्क्राइब करूंगा। तो आप लोगों को आज मैंने ये प्रोवाइड किया हूँ। इफ़ यू रियली लाइक दिस, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट किए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, मैंने देखिए यानी कि जितना भी क्वेश्चन आया उसका साथ फुल ऑपरेशन भी किया हूँ, और आप लोगों को मुझे इतना विश्वास है कि जरूर कुछ ना कुछ नया नॉलेज इसमें मिला होगा, ठीक है। और भी आप लोग साथ दीजिए, मैं आने वाला कल में और भी वीडियो अच्छा बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच सो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो, नेवर गिव अप, थैंक यू सो मच।